पे बिहार से पूछिए, आप यहाँ आए हैं तो यहाँ के जनता से पूछिए, यहाँ की जनता जान गई है, मान गई है कि 370 हटाने वाले नरेंद्र मोदी जी, 3 तलाक हटाने वाले नरेंद्र मोदी जी, आतंकवादी के लिए कड़े कानून बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी, राम जी को लाने वाले नरेंद्र मोदी जी, वैक्सीन बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी, आई सबका विरोध करने वाले राहुल बाबा कांग्रेस। बरद के देह में शेर का खाल पहना दिया जा आ वो चिचियाए कि हम शेर है तो सब उसको शेर मान लेगा क्या? नहीं ना, लेकिन मल्लाह के पीठ में खंजर मारने का वो काम किए हैं, पूरे बिहार के मल्लाह को ठगने का काम किया है, पीठ में खंजर मारने का काम किया है, इसलिए अब उनके साथ कौन है? RJD है, तेजस्वी जी है, लेकिन बिहार के मलाह नहीं है। बिहार के मलाह दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। जब हम लोग विपक्ष में थे तो विपक्ष में तीन पद होता है बड़ा बड़ा, एक होता है अध्यक्ष का, तो हम लोगों में अध्यक्ष कौन थे? आदरणीय सम्राट चौधरी जी, पिछड़ा का बेटा। आ दूसरा पद होता है नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद, वो कौन था? हरी सहनी, एक मल्लाह का पुत्र, अति पिछड़ा का बेटा। आ तीसरा में नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान सभा कौन थे? विजय सिन्हा साहब, वो कौन है? सवर्ण से आते हैं। मतलब तीन पद और तीन जात नहीं, तीन वर्ग। अति पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री हरी सहनी जी, जो बिहार में हरी सहनी को कौन नहीं जानता है, उनसे आज मिले हैं, लोकसभा चुनाव के लेकर चर्चा करेंगे। आप बताइए, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट कुछ इंटरेस्टिंग हो गया, पिछले बार जो NDA उम्मीदवार अजय निषाद जी थे वो इस बार कांग्रेस में चले गए हैं, और यहाँ से VIP के उम्मीदवार राजभूषण निषाद को टिकट मिला। पूरे बिहार से पूछिए, आप यहाँ आए हैं तो यहाँ के जनता से पूछिए, जनता से पूछिए, यहाँ की जनता जान गई है, मान गई है कि 370 हटाने वाले नरेंद्र मोदी जी, 3 तलाक हटाने वाले नरेंद्र मोदी जी, आतंकवादी के लिए कड़े कानून बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी, राम जी को लाने वाले नरेंद्र मोदी जी, वैक्सीन बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी, आई सबका विरोध करने वाले राहुल बाबा कांग्रेस। तो उस सबका विरोध करने वाले राहुल बाबा का उम्मीदवार अजय निषाद जी, आ सारा काम करने वाले, गरीबों के घर सारा सुख सुविधा पहुंचाने वाले नरेंद्र मोदी, आ उनका उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी। तो ये आप लोग सब जान चुके हैं कि मोदी जी का ये उम्मीदवार है तो सब कुछ हम भुला के मोदी जी के उम्मीदवार को वोट देंगे, सब लोग ये मन बना। मुजफ्फरपुर में सहनी का आबादी बहुत है, लेकिन बार बार समझिए कि मुकेश सहनी, वो भी सहनी समाज से आते हैं, वो बोलते हैं कि सन ऑफ सहनी हम हुए, सन ऑफ मल्लाह हम हुए, और दूसरा कोई नहीं। आज एक बात कहिए, बरद के देह में शेर का खाल पहना दिया जा आ वो चिचियाए कि हम शेर है तो सब उसको शेर मान लेगा क्या? नहीं ना, उसके क्रियाकलाप से, चाल ढाल से लोग समझता है, नहीं समझता है। तो अब उनमें जो लोग अपेक्षा रखता था, लोग मल्लाह का पुत, सब सोचा था मल्लाह को उद्धार करेगा, लेकिन मल्लाह के पीठ में खंजर मारने का वो काम किए हैं, पूरे बिहार के मल्लाह को ठगने का काम किया है, पीठ में खंजर मारने का काम किया, इसलिए अब उनके साथ कौन है? RJD है, तेजस्वी जी है, लेकिन बिहार के मल्लाह नहीं है। बिहार के मल्लाह दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। तेजस्वी यादव वो हर एक सभा में बोलते हैं कि तीसरे बार का प्रधानमंत्री बन जाएंगे मोदी जी तो संविधान खतरा में हो जाएगा, लोकतंत्र खतरा में आ जाएगा, गरीबों का शोषण होगा, वो बोलते हैं मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जी। अच्छा, एक बात कहिए, इससे पहले 15 के चुनाव में ये बोले थे सब बापुत मिल के
उनका तो कन्नम्हर परिवार है ना, तो सब परिवार मिल के बोले थे कि जो भाजपा की सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा सबका हक छीना जाएगा। कहाँ पर छीना गया? तो जब जब चुनाव आता है तब तब कहते हैं वो कि जो संविधान खतरे में है, कैल धेल दाई के नाव भव जाय के, यही बात ये लोग करते रहते हैं। कैगो को वो आरक्षण दिए हैं, दिए हैं आरक्षण नहीं ना, तो वो आरक्षण नहीं दिए और बोलते हैं कि आरक्षण जो है सो समाप्त कर दिया जाएगा। भूल गए लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। गरीबों के मसीहा गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूछिए ना उन लोगों से, कर्पूरी जी के नाम पर सत्ता में बने रहे लेकिन कर्पूरी जी को भी यह सम्मान किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए वो कहते क्या है करते क्या है उनके बातों का ध्यान नहीं दीजिए। वो क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या करती है? आज 15 मंत्री बना है उसमें 12 जात का समावेश है। और वो क्या कहते हैं कि हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है। ए टू जेड का मतलब क्या होता है? सभी जाति को मिलाकर। और करते क्या है वो, किए हैं क्या? जब हम लोग विपक्ष में थे तो विपक्ष में तीन पद होता है बड़ा बड़ा, एक होता है अध्यक्ष का, तो हम लोगों में अध्यक्ष कौन थे? आदरणीय सम्राट चौधरी जी पिछड़ा का बेटा। आ दूसरा पद होता है नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद, वो कौन था? हरी सहनी एक मल्लाह का पुत्र अति पिछड़ा का बेटा। आ तीसरा में नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान सभा कौन थे? विजय सिन्हा साहब। वो कौन है? सवर्ण से आते हैं। मतलब तीन पद और तीन जात नहीं तीन वर्ग। आ उसी तरह जब ये आए हैं विपक्ष में तो इनको भी है तीन गो पद, तो कौन कौन है इनके साथ तीन पद पर? एक है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अध्यक्ष, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद, आ उनके सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान सभा तेजस्वी यादव जी। तो तीन पद एक परिवार, कब? जब विपक्ष में है तब। आ जब सत्ता में आएंगे, विपक्ष में है तो पूरा परिवार, आ जब पक्ष में आएंगे तो पूरा खानदान। यही है उनका ए टू जेड की पार्टी। तो क्या आप जनता नहीं इस बात को समझ रही है? हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप पूरा बिहार के लोग नहीं समझ रहे। सहनी जी गंगा जल के क्रिया खिलाए थे सहनी समाज को कि आपके क्रिया खाइए वोट हमको दीजिए। आप बताइए वो क्रिया खिलाए थे, क्या क्रिया खिलाए थे कि आप वोट गंगा जल लेके, कि आप वोट नहीं बेचिएगा और न मैं बेचूंगा, यही ना क्रिया खिलाए थे? न मैं बेचूंगा ना आप बेचिएगा। तो ये तीन में तीन टिकट ये काहे को दान किए हैं कि क्या? अब बेचने का नाम तो हम नहीं बोलेंगे, पूरा बिहार के मलाह बोलता है। टिकट उनको मिला लेकिन एक भी सहनी समाज को नहीं, एक भी सहनी समाज मलाह अपने आप को कहते। तो आप बताइए हम क्यों कहे? अभी तो हमारा गार्जियन कहेंगे कि तीन टिकट में एको गो नहीं मिला मलाह को, तो उनका संकल्प तो खत्म हो गया क्या कि न हम बेचेंगे न तुम बेचना? यदि तू नहीं बेचे तो मलाह का पुत्र नहीं बेचता, जब तुम्हारा क्रिया टूट गया तो मलाहों का क्रिया टूट गया नहीं। इसलिए वो जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है, इसलिए बिहार का मलाह उनके साथ नहीं है।